हाउ टू क्लोज ए बैंक अकाउंट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को ठिकिराज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लक्ष्मी विलास बैंक या फिर किसी भी बैंक अकाउंट को कैसे क्लोज कर सकते हो। तो दोस्तों जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और यदि आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि मेरा हर अपडेट आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, यदि आप अपना खुद का वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो हम प्रोवाइड करते हैं वेब डेवलपिंग डिजाइनिंग सर्विसेज। हमारी टीम से वेबसाइट बनाने पर आपको मिलेगा फास्ट एंड क्वालिटी सर्विसेज, 24/7 सपोर्ट, एडसेंस अप्रूवल वेबसाइट। दिए गए डिटेल्स पर कॉन्टेक्ट करें और आज ही अपना वेबसाइट बनवाए। थैंक यू। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या करना है, दोस्तों देखिए आप गूगल में सारा कुछ सर्च कर लीजिए या फिर यूट्यूब में सर्च कर लीजिए। शायद आपको ऐसे बहुत से लोग ये बताएंगे कि ऑनलाइन भी आप जो है अपना खाते को क्लोज कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ऑनलाइन कोई भी प्रोसीजर नहीं है और ऑनलाइन आप जो है अपने खाते को आप क्लोज नहीं कर सकते। आपको एक बार तो ब्रांच विजिट करना ही होगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको कैसे करना है और किस प्रकार से करना है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक लेटर लिखना है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको लेटर लिखना है। और दूसरा आपको जरूरत पड़ेगा आपका एक आईडी प्रूफ का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वाला लेटर लिखना है, ठीक है। तो लेटर बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे आपको क्या करना है, टू द मैनेजर और ब्रांच का नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है। टू द मैनेजर और ब्रांच का नाम लिखना है और यहाँ पे ब्रांच का एड्रेस लिखना है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट में आपको क्लोज बैंक अकाउंट लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है डियर बैंक या फिर डियर सर, डियर मैनेजर, जो भी आप लिखना चाहते हो वो लिख लीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना है दिस लेटर इज टू इन्फॉर्म दैट यू काइंडली क्लोज माई बैंक अकाउंट। उसके बाद में आपका बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है, इन योर बैंक। उसके बाद में आई एम नॉट ऑपरेटिंग दिस अकाउंट फ्रॉम ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, नाउ आई डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू दिस अकाउंट। उसके बाद में आपको क्या करना है, आई एम रिटर्निंग माई डेबिट कार्ड पासबुक एंड चेकबुक टू द बैंक ब्रांच, ठीक है, ये इतना लिखना है आपको। और दोस्तों यदि आपके खाते पे पैसे पड़ा हुआ है और वो पैसे जो है आपने नहीं निकाले और आप डिमांड ड्राफ्ट के जरिए से या फिर आप जो है डायरेक्ट ट्रांसफर अपने दूसरे अकाउंट में करवाना चाहते हैं तो आपको लिखना है आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज रिटर्न माई एग्जिस्टिंग बैलेंस थ्रू डिमांड ड्राफ्ट और ट्रांसफर टू माई न्यू अकाउंट, ठीक है, ये आपको लिखना है। यदि आपके आपके अकाउंट में पैसे पड़ा हुआ है और आप जो है डिमांड ड्राफ्ट के जरिए से या फिर ट्रांसफर अपने दूसरे अकाउंट में करवाना चाहते हैं तो आपको ये लिखना होगा। और यदि आपको जो है दोस्तों आपके अकाउंट में पैसे बिल्कुल भी नहीं है तो आपको ये इतना नहीं लिखना है, ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको थैंकिंग यू योर सिंसियरली आपका नाम लिखना होगा यहाँ पे, आपका अकाउंट नंबर और डेट लिख दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये लिखने के बाद में आपको जेरोक्स करना होगा, प्रिंट कर लीजिए। प्रिंट करने के बाद में प्रिंट कॉपी में आपको अपना आईडी प्रूफ आपको पेस्ट करना होगा, चिपका दीजिएगा, स्टेपलर से चिपका दीजिए। उसके बाद में वो लेके आप अपना बैंक में चले जाइए और ब्रांच मैनेजर को जाके आप दे दीजिए, आपका इंस्टेंट अकाउंट जो है आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका अकाउंट जो है बंद हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना अकाउंट को बंद करवा सकते हैं। दोस्तों यदि आप ये चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ये फॉर्म का आप नीचे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।